हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सिंपल पेंसिल कलर की मदद से ड्राइंग कलर करने सिखाऊंगा, वो भी 3D मेथड से। पहले हम सिंपल इस ड्राइंग को बनाने के प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे। पेंसिल के ऊपर हम ये पेंसिल कलर चला ले रहे हैं। इसका डार्कनेस कुछ ज़्यादा होता है जो आपको रियलिस्टिक इफेक्ट पैदा करेगा। आप प्रेशर, हाथ के प्रेशर को घटा बढ़ाकर डीप या लाइट शेड का इफेक्ट ला सकते हैं। पेंसिल कलर के लिए ज़रूरी है कि आपका ये पेपर थोड़ा रफ हो, क्योंकि काफ़ी स्मूथ पेपर में ये स्मूथ पेपर जितना पेपर रफ होगा उतना आपका ये पेंसिल अच्छा चल पाएगा, उसमें एक कलर का इफेक्ट आएगा। वहीं अगर ये डार्क हुआ तो इफेक्ट उतना अच्छी तरह नहीं आ पाएगा। पहले हम सारी रेखाओं को ब्लैक से चला ले रहे हैं। हमने इसे लगभग पूरा ब्लैक पेंसिल से चला लिया है। अब हम इस स्थान को छोड़ के बीच के स्पेस को पेंसिल से डार्क सेट करेंगे। इस कलर में आपको ध्यान रखना है, आपके हाथ के प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाना है, और जहाँ डार्क करना है वहाँ 2 या 3 राउंड आप इसे डीप सेट कर लेंगे प्रेशर देकर। एक बार में आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका ये पॉइंट टूट जाए, इसीलिए बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज करें। मैं एक पंख इसका रंग के बता दे रहा हूँ। देखिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि पॉइंट हमारे पास है, इसलिए आप काफ़ी डिटेल काम कर सकते हैं इस पर। पहले मैं एक छोटा सा एरिया डिटेल करके आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार हम सारे एरिया को डिटेल करेंगे। अगर आप इस ढंग से ड्राइंग करें कि पेंसिल आपका पॉइंट किधर से किधर की ओर मूव किया है ये नहीं पता चले तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा ये, मतलब एचिंग का इफेक्ट इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। किधर से आपने इसे भरा है, किधर से आपने नहीं किया है। देखिए, इस पोर्शन को मैंने लगभग ब्लैक सेट कर लिया है। अब मैं लाइट ब्लू कलर ले रहा हूँ। इस एरिया पर हम लाइट ब्लू कलर डालेंगे। पहले लो प्रेशर करके हमने पूरे एरिया को कलर कर लिया है। देखिए, इस पेंसिल कलर को आप बहुत अच्छी तरह मिक्स भी कर सकते हैं, इसमें मिक्सिंग का कलर मिक्सिंग का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये मैंने लो प्रेशर पर क्लिक किया है। अब मैं साइड से यहाँ डार्क प्रेशर डालूँगा। इससे इस पर चमक भी आएगा, कलर का अप डाउन ग्रेडेशन बदलेगा। मैंने डार्क ब्लू लिया है। अब हम इसके ऊपर डार्क ब्लू अप्लाई करेंगे तो नीचे वाले कलर को चेंज तो करेगा, डीप तो करेगा, लेकिन
पूरा डार्क भी नहीं होने देगा कि वो कलर अपना इफेक्ट रखेगा, लाइट ब्लू अपना, हमें मज़ेदार शेड प्राप्त हो रहा है। ध्यान रहे मैं सिर्फ साइड एरिया में से अप्लाई कर रहा हूँ। मैं डार्क ब्लू ब्राउन कलर निकाल रहा हूँ और इस पंख के ऊपर थोड़ा सा मैं कलर अप्लाई करूँगा डार्क एरिया में। लास्ट में एक बार फिर ब्लैक लेकर बॉर्डर एरिया को डीप कर लेंगे। इसी ढंग से हम इस तीनों एरिया को कलर करेंगे।
इसकी स्केचिंग कलरिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसे इस ढंग से कट करेंगे कि इस पर 3D का इफेक्ट हम बाहर ला सके। देखिए मैं इसे खास एंगल पर कट करके एक ऐसा इफेक्ट दूंगा जिससे लगेगा कि ये 3D स्ट्रक्चर है। इस एरिया को चुना मैंने, इसके बाहर के एरिया को मैं कट करके निकाल रहा हूं अभी। बेहतर हुआ कि आप जितना शार्प कट करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। ये इसके लिए आप बड़े की मदद भी ले सकते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, लेकिन आपकी कटिंग बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। ये ड्राइंग पूरी हो चुकी है। अब इसे मैं डार्क बैकग्राउंड के साथ इसका इफेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इस ड्राइंग को इस सरफेस पर रख रहा हूँ। ये ड्राइंग हमारी पूरी हो गई। इस प्रकार की अन्य ड्राइंग बनाने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ।